सो है गाइज, मैं हूँ किशन जी राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल वर्ड्स की। गाइज, आज के वीडियो में हम लोग जो है ICICI बैंक के डेबिट कार्ड को जो है पिन जनरेट करने के बारे में जानेंगे। तो उसके पहले हम लोग अपने प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद में ICICI बैंक का जो ऑफिशियल ऐप है आई मोबाइल, उसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो आई मोबाइल अप्लीकेशन यहाँ पर आ गई है प्ले स्टोर में सर्च करने के बाद में, जिसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ, इसलिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन मुझे मिल रहा है। तो आइए हम चलते हैं अपने होम स्क्रीन पर और इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी जो है इसको डाउनलोड कर सकेंगे। तो एप्लीकेशन वो यहाँ पर है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में इस तरह से एप्लीकेशन ओपन होगी, तो सिंपली ओपन हो जाने देते हैं। यहाँ पर मुझे मिलेगा इंटर 4 डिजिट लॉगिन पिन, क्योंकि मैंने अपने आईडी पासवर्ड से ऑलरेडी जो है लॉगिन कर लिया था और अब मुझे केवल यही 4 पिन जो है डाल करके लॉगिन करने होंगे। तो आप लोग जो है अपना आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे और जो है ये कि सिक्योरिटी पिन बना लेंगे, जिसको बार बार जो है आईडी पासवर्ड डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल आप लोगों के जो है यही 4 अंक से ही जो है आप लोग इसमें लॉगिन कर सकेंगे। तो हम लॉगिन कर लेते हैं, ये लॉगिन हो रहा है, लॉगिन हम कर लिए हैं सिंपली। उसके बाद में यहाँ पे नीचे मिल जाएगा आप लोगों को सर्विस का ऑप्शन, सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को कार्ड पिन सर्विस, इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे मिलेगा डेबिट कार्ड पिन जनरेशन, उसके बाद में यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पिन जनरेशन। तो हमें डेबिट कार्ड की करनी है। अगर आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों की करना चाहते हैं तो आप लोगों को दोनों यहाँ ऑप्शन मिल जाएंगे। तो हम अभी डेबिट कार्ड का करना चाहते हैं, तो पहले वाले ऑप्शन को जो है सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपना अकाउंट नंबर जो है सेलेक्ट कर लेना होगा और डेबिट कार्ड नंबर, इस पर क्लिक करेंगे। डेबिट कार्ड नंबर आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को अपने कार्ड की CVV नंबर डालनी होगी और डेबिट कार्ड का पिन जो है डालना होगा, 4 पिन आप लोग बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म डेबिट कार्ड पिन पे क्लिक करके वही जो है डेबिट कार्ड पिन डालेंगे जो यहाँ पे डालेंगे, यानी कि दोनों में सेम होना चाहिए। एक बार डालेंगे, दूसरी बार कन्फर्म कर देंगे श्योर। उसके बाद में यहाँ पर फिर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो आइए हम लोग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने अपना CVV डाल दिया, डेबिट कार्ड का जो है पिन डाल दिया जो हमने जो पिन बनाना है। उसके बाद में हम सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा सबमिट पे क्लिक हो गया। उसके बाद में आप अपने डेबिट कार्ड के बैक साइड में यानी कि पीछे की साइड में देखेंगे कुछ ABCD इस तरह से अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, उनके नीचे कुछ वैल्यू दिए गए हैं। तो C की वैल्यू क्या है और H की वैल्यू क्या है और N की वैल्यू क्या है, वो यहाँ पर वैल्यू हम लोग भर देते हैं। उसके बाद में फिर भरने के बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों मैंने सबकी वैल्यू डाल दी है। डालने के बाद में यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लिखा मिल जाएगा योर पिन हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली। तो दोस्तों अब हमारा पिन यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब हम किसी भी ATM मशीन से जो है अपने डेबिट कार्ड से यानी कि अपने ATM कार्ड से जो है पैसे निकाल सकते हैं। डेबिट कार्ड किए गए अपने द्वारा जनरेट किए गए पिन से यहाँ पर मैसेज भी आ गया है। अब हम लोग बैक हो जाते हैं। सो आई होप दोस्तों कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पे नए से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा।